आज का दिन दृष्टिबाधित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए बहुत खास है। दुनिया भर में आज 4 जनवरी को हर साल ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दृष्टिबाधित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांगों को मानवाधिकार प्रदान करने और संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं के माध्यम से ही दृष्टिबाधित दिव्यांगजन पूरे संसार को टटोल लेते हैं। उनकी हाथों की उंगलियां इन 6 बिंदुओं के सहारे से संगीत, साहित्य, कला, गणित, विज्ञान की दुनिया को महसूस कर पाते हैं। फ्रांस के लुईस ब्रेल ने इस लिपि का विकास किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक 3,60,00,000 लोग दृष्टिबाधित हैं और 21,60,00,000 लोग आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। इसलिए जब बालक लुईस मात्र 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा दिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करते थे। इसीलिए बालक लुईस के खेलने की वस्तुएं वही थी जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू अचानक उछल कर इस नन्हे बालक की आँख में जा लगा और बालक की आँख से खून की धारा बहने लगी। रोता हुआ बालक अपनी आँख को हाथ से दबाकर सीधे घर आया और घर में साधारण जड़ी लगाकर उसकी आँख पर पट्टी बांधी गई। कुछ दिन बाद बालक लुईस ने अपने दूसरी आँख से भी कम दिखलाई देने की शिकायत की, परंतु आर्थिक कमजोरी के कारण समुचित इलाज नहीं करवाया जा सका और वह नन्ना बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। लेकिन यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। उसने हार नहीं मानी और फ्रांस के मशहूर फादर बैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा। फादर बैलेंटाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला मिला। ये वर्ष 1821 था। बालक लुईस अब तक 12 वर्ष के हो चुके थे। इसी दौरान विद्यालय में लुईस को पता चला कि शाही सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कोटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोल कर अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते हैं। लुईस को अंधेरे में रोशनी नजर आई। उन्होंने फादर बैलेंटाइन से ये इच्छा प्रकट की कि वो कैप्टन चार्ल्स बार्बर से मुलाकात करना चाहते हैं। फादर ने लुईस की कैप्टन से मुलाकात की व्यवस्था कराई। मुलाकात के दौरान लुईस ने कैप्टन द्वारा सुझाई गई कूट लिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। कैप्टन चार्ल्स बार्बर बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। अंततः पादरी बैलेंटाइन के इस शिष्य द्वारा बताए गए संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया। कालांतर में स्वयं लुईस ब्रेल ने 8 वर्षों के अथक परिश्रम से इस लिपि में अनेक संशोधन किए और अंततः 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ऐसी लिपि बनाने में वो सफल हुए। दरअसल देवनागरी और रोमन लिपि की भांति ब्रेल लिपि भी एक लिपि है जिसमें दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाया जाता है। इसमें 6 बिंदु बनाए गए हैं जिनमें कुल 64 वर्ण थे, लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़कर 256 हो गए हैं। इसके अलावा लिपि में विराम चिन्ह, गणित चिन्ह और साथ साथ संगीत के नोटेशंस भी हैं। इस ब्रेल लिपि का निर्माण लुईस ब्रेल ने सोनोग्राफी और नाइट राइटिंग तकनीक के आधार पर किया है जो उस समय फ्रांसीसी सेना रात के समय अंधेरे में लिखने के लिए इस्तेमाल करती थी।
ब्रेल लिपि को वर्णमाला के अक्षरों को कूट रूप में लिखने वाली पहली लिपि माना जाता है। भारत के महान धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत और भागवत गीता आदि ब्रेल लिपि में अब दृष्टि बाधितों को पढ़ाया जा सकता है। ब्रेल लिपि में पुस्तकें भी लिखी जाती हैं, हालांकि कुछ पुस्तकें लिखी भी गई हैं। आधुनिक ब्रेल लिपि को 6 के बजाय 8 बिंदुओं में फिर से विकसित किया गया है ताकि इसका ध्यान आसान हो सके। लुईस ब्रेल द्वारा आविष्कृत 6 बिंदुओं पर आधारित ये लिपि उनकी मृत्यु के उपरांत दृष्टिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गई। लुईस की मृत्यु के पूरे 100 वर्ष के बाद फ्रांस में 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया। इस वर्ष पूर्व दफनाए गए उनके पार्थिव शरीर के अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गए। उस दिन जैसे लुईस के ग्राम कुपरे में उनका पुनर्जन्म हुआ। ये ब्रेल लुईस की ही देन है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले दृष्टिबाधित हो किसी के मोहताज नहीं रह गए हैं। वे दुनिया को अच्छी तरह समझ रहे हैं और अपने ज्ञान चक्षु से निहार भी रहे हैं। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।